गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज योर हिंदी लैंग्वेज क्लास। टुडे द सेम चैप्टर, चैप्टर 4, नाउन। बेटा आपका ये जो बुक में एक्सरसाइज दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना। जो आपके ये शब्द दिए गए हैं, जो ये लिखे हुए शब्द, इसमें आपको संज्ञा शब्द जो है उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे कि नंबर 1 पे आपका एग्जांपल में दिया हुआ है, आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो आकाश क्या है, ये भी संज्ञा है, आकाश नाम है, और तारे भी क्या है, आपके संज्ञा है। इसी प्रकार आपको इन सभी स्टेटमेंट को लिखकर इसमें संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, लेसन नंबर और लेसन नेम। हेडिंग है आपका वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना। आपका नंबर 1 पे है, आकाश में तारे चमक रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। अब आपको इसमें संज्ञा शब्दों पे आपको अंडरलाइन करना है। अब आपके संज्ञा शब्द क्या हैं, इसमें एक आपका है आकाश और दूसरा है आपका तारे। ओके, फिर आपका नेक्स्ट है, मुझे इमली की खटास अच्छी लगती है। आपका स्टेटमेंट है, मुझे इमली की खटास अच्छी लगती है। इमली की खटास अच्छी लगती है। अब आपको इसमें संज्ञा शब्द को अंडरलाइन करना है, तो इसमें क्या होगा संज्ञा शब्द, मुझे इमली की खटास अच्छी लगती है। तो आपका इसमें संज्ञा शब्द हो जाएगा एक इमली, दूसरा हो जाएगा आपका खटास। ओके, इमली आपका क्या हो गया, नाम हो गया, खटास आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया ना, तो इसमें हो गया इमली और खटास। थर्ड नंबर पे है आपका, चाचा नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपका स्टेटमेंट है, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू हमारे देश के, हमारे देश के प्रथम, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रधान मंत्री थे। ओके, अब आपको इसमें संज्ञा शब्द क्या होगा, आपका चाचा नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो व्यक्ति विशेष कौन है इसमें, आपका चाचा नेहरू, देश आपका क्या हो गया, और इसमें फिर प्रधानमंत्री, ये आपके क्या हो गए संज्ञा। ठीक है, चाचा नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो चाचा नेहरू देश और प्रधानमंत्री, देश नाम स्थान हो गया, चाचा नेहरू व्यक्ति विशेष हो गए, और प्रधानमंत्री क्या हो गया, चाचा नेहरू क्या थे वो, व्यक्ति विशेष क्या थे वो, प्रधानमंत्री नाम, तो इसमें आपका चाचा नेहरू और देश और प्रधानमंत्री संज्ञा हो गया। ओके, नंबर 4 है आपका स्टेटमेंट, हिमालय पर्वत संसार, हिमालय पर्वत संसार में सबसे ऊंचा है। हिमालय पर्वत जो है वो क्या है, संसार में सबसे ऊंचा है। अब इसमें आपका संज्ञा क्या हो गया, इसमें आपका हिमालय पर्वत, ये आपका क्या हो गया, हिमालय
पर्वत और संसार। आपका इसमें संज्ञा शब्द हो गया हिमालय पर्वत संसार में सबसे ऊंचा है, तो आपका संज्ञा हो गया हिमालय पर्वत और संसार। ओके, आपका नंबर 5 है मेरे बस्ते में, मेरे बस्ते में 10 किताबें हैं, मेरे बस्ते में 10 किताबें हैं। अब आपका इसमें क्या हो गया संज्ञा शब्द बस्ते, और दूसरा हो गया आपका किताबें। तो आपका इसमें संज्ञा हो गया बस्ते और दूसरा हो गया आपका किताबें, मेरे बस्ते में 10 किताबें हैं। ओके, आपका होमवर्क है बेटा आपको संज्ञा लर्न करना, यानी कि आपको संज्ञा कौन कौन से होते हैं, क्या 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 किनको किनको संज्ञा कहते हैं, उनको आपको याद करना है। ओके, संज्ञा याद करना यानी कि किन किन शब्दों को किन किन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, इसको आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।